everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. I'm Ritika Singh. अगर आप नए हैं मेरे channel पे, so very very welcome and thank you for coming to my video. I hope कि इस video से मैं आपको disappoint नहीं करूँगी और आपको ये video अच्छी लगेगी. So आज मैं winter clean makeup look करने जा रही हूँ and ये also go to makeup look है, so इसमें आपको ज़्यादा makeup products की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप चाहें तो इसको बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो जो स्टेप्स मैंने किए हैं इस वीडियो में उनमें से कुछ स्टेप्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक हटा भी सकते हैं अगर आप ना चाहें वो करना तो. सो या एंड ये मेकअप जो है बहुत ज़्यादा ईजी है करने के लिए एंड इस लुक के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि इस लुक के लिए की जाती हैं वो होता है स्लीक बन, क्योंकि इस स्लीक बन से ये जो लुक होता है क्लीन मेकअप लुक ये और ज्यादा स्टनिंग लगता है एंड इसमें फ्यू एक्सेसरीज पहनी जाती हैं. लाइक मैंने एक एक हाथ में एक एक रिंग पहनी हुई है, ज्यादा एक्सेसरीज नहीं पहनी है एंड ये फेक पियर्सिंग इयररिंग पहने हैं एंड ये हुप्स पहने हुए हैं छोटे छोटे एंड मैंने ये स्वेट शर्ट पहना हुआ है जो कि मैंने सरोजनी से लिया था सिर्फ 100 रुपीज में. मैंने सरोजनी नगर का हॉल भी बनाया है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. बट मैंने उसमें ट्राई ऑन नहीं दिखाया है, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने ट्राई ऑन दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं ह्यूडी एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है जितना कि मैं दे पाई थी. सो या मैंने ये सरोजनी से लिया था क्योंकि मैं अभी जल्दी में वहां पे गई थी क्योंकि विंटर आ चुके हैं, जैसे कि नवंबर है सो लाइक वहां पे काफी सारे विंटर के कपड़े आए हुए हैं. यू शुड ऑल्सो गो देयर एंड बहुत ही कम प्राइस में आपको चीजें मिल जाती हैं. ओके सो या सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो एंड मेकअप अच्छा लग रहा होगा, सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. पहले मैं स्किन केयर से स्टार्ट करूंगी क्योंकि विंटर हो या समर कोई भी सीजन हो स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. सो सबसे पहला जो स्टेप होता है स्किन केयर में वो होता है टोनर. सो सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये रोज ग्लो टोनर फॉर अ लाइक वेरी अमेजिंग एंड फ्रेश लुक ताकि ये हमारी स्किन को टोन कर दे एंड जो हमारा मेकअप होने वाला है वो और ज्यादा प्रिटी लगे. नेक्स्ट अप आई एम गोना टेक दिस रोज हिप फेस सीरम, क्योंकि मेरे पास रोज फेस सीरम नहीं था इसलिए मैंने ये रोज हिप वाला ले लिया एंड ये बहुत ही प्यारा ग्लो देता है क्योंकि इसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी वो बहुत ज्यादा थिक है. सो इट प्रोवाइड्स अ रियली अमेजिंग ग्लो. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू दिस सेटाफेल का मॉइस्चराइजर. ये है अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन एंड ये जो मॉइस्चराइजर है ये किसी भी सीजन के लिए बहुत अमेजिंग है, स्पेशली आई थिंक सो विंटर, क्योंकि विंटर में जो है ना आप अगर बाहर आते जाते हो, वर्किंग हो आप, कॉलेज स्कूल या कहीं पे भी आते जाते हो तो अब मतलब बाहर का जो डिहाइड्रेशन होता है उससे आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेची एंड ड्राई हो जाती है. बट ये आपकी स्किन को 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज रखेगा, आपको बाकी मॉइस्चराइजर की तरह इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि ये डे टाइम काइंड ऑफ लाइक क्लीन मेकअप लुक है इसलिए मैंने सनस्क्रीन भी ऐड किया है, उसके लिए मैं ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट लोशन ले रही हूँ एंड ये 24 SPF है इसमें एंड PA++. लाइक जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है तब से मैंने सिर्फ आई थिंक सो कुछ ही सनस्क्रीन ट्राई की हैं, उसमें से सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी ये है, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट इन माय ओपिनियन एंड ये आपकी स्किन को बहुत अमेजिंगली प्रोटेक्ट करता है सन से एंड आपके फेस पे बिल्कुल भी डलनेस नहीं आने देता है जो कि हमें बाहर के पॉल्यूशन की वजह से होती है. सो इसलिए मैं ये वाला सनस्क्रीन ले रही हूँ. आप अगर सनस्क्रीन यूज करते हैं तो आप अपने ओपिनियन के हिसाब से कोई सा भी सनस्क्रीन ऐड कर सकते हैं इस मेकअप लुक के लिए. अब बढ़ते हैं मेकअप की तरफ, तो सबसे पहले मैं ये NYBae का प्राइमर यूज करूंगी फॉर दिस मेकअप लुक एंड मैं इसको अपनी दो फिंगर टिप्स पे लूंगी, वन दिस वन एंड द वन. क्या मैं यूज करती हूँ इसको एंड बहुत अमेजिंग है, आपकी स्किन को ब्लर करता है एज यू कैन सी एंड पोर्स भी बहुत अच्छी तरीके से फिल करता है, लॉन्ग स्टे करने में भी हेल्प करता है आपकी मेकअप को. नेक्स्ट मैं सीधा कंसीलर लगाऊंगी, मैं फाउंडेशन स्किप कर रही हूँ. अगर आपको लगता है कि आप मतलब लगाना चाहते हैं फाउंडेशन तो आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते, बट मैं नहीं लगाना चाहती क्योंकि आई डोंट थिंक सो की जरूरत है ज्यादा. आई डोंट वांट टू ऑल्सो लेयर अप माय स्किन विद लाइक फाउंडेशन, सो इसीलिए मैं ये सिर्फ कंसीलर यूज करूंगी क्योंकि ये गो टू काइंड ऑफ मेकअप है, सो ज्यादा लेयरिंग अच्छी नहीं लगेगी.
नेक्स्ट मैं बिल्कुल मिनिमल सा आई मेकअप रखना चाहती हूँ, सो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे फेसेस कैनेडा का ऑल टाइम प्रो फेस पैलेट है। इसमें से मैं ये ब्रॉन्जिंग शेड लूंगी अपनी क्रीज पे लगाने के लिए। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये पिंक वाला शेड लूंगी एंड ये बहुत ही प्यारा पिंक शेड है। सो आई एम जस्ट लाइक वाना मतलब बिल्कुल थोड़ा सा इसको अपने लिप्स पे लगाऊंगी मैं। ओके सो अब इस लुक को और प्यारा बनाने के लिए मैं ये एल्फ का आईलाइनर ले रही हूँ एंड ये जो आईलाइनर है ये बहुत ज्यादा डार्क नहीं है इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा नेचुरल काइंड ऑफ आईलाइनर लगाऊं। नेक्स्ट मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा ले रही हूँ, दिस इज द फेस शॉप मस्कारा एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस अ नाइस लेयर ऑफ दिस ताकि मेरी जो लैशेज हैं वो नेचुरल लगे। नेक्स्ट मैं ये ब्लू हेवन की आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल ले रही हूँ एंड ये ग्रे कलर का शेड है। सो मैं इसको अभी अपवर्ड्स ऐसे ऐसे करके फिल करूँगी ताकि मेरी आईब्राउज जो हैं वो थोड़ी लाइक फुलर एंड अमेजिंग लगें। बट उससे पहले मैं ये स्पूली लूँगी एंड इसको अपवर्ड्स ऐसे करके अपनी ब्रोज को कोम्ब करूँगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बाकी के फेस मेकअप की तरफ लाइक ब्लश ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर। सो उसके लिए सबसे पहले मैं ये ब्लू हेवन की स्टिक ले रही हूँ स्ट्रोबेन शेप क्योंकि इसमें हाइलाइटर एंड या कॉन्टोर आपको दोनों मिल जाता है। सो आई एम गोना यूज द कॉन्टोर ऑफ दिस स्टिक। उससे मैं सबसे पहले लाइक एक लाइन से खींचूंगी ऑन माई चीक्स लाइक अपने कॉन्टोर लाइन पे हेयर एंड देन इसको मैं ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ किस एंड ब्लश स्टिक फ्रॉम ब्लू हेवन एंड सबसे पहले मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर में ऐसे करके ले लूंगी हेयर एंड देन नेक्स्ट फॉर द हाइलाइटर आई एम गोना यूज दिस NYBA की स्ट्रोक क्रीम। इसका शेड है रोज डायमंड एंड इसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेके इस ही ब्लश के साथ मैं इसको मिक्सअप करूंगी लाइक दिस एज यू कैन सी। नाउ आई एम गोना ब्लेंड दिस ऑन माई चीक्स वेरी केयरफुली क्योंकि दोनों चीजें काफी ज्यादा पिगमेंटेड हैं बट हमें एक प्यारा सा फ्लश चाहिए ऑन द चीक्स। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ये पैक का ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर लूंगी एंड ये है 04 शेड
एंड इसको मैं अपनी अंडर आई के नीचे लगाऊंगी क्योंकि मैंने अपना फेस सेट नहीं किया था. मैंने पर्पसली ऐसा किया क्योंकि मैं इसको बाद में करना चाहती थी सेट. अब नाउ मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर के कोर पे लेके यहाँ पे थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि जो मेरा लाइक अंडर आई है वो भी सेट हो जाए एंड ये जो ब्लश है एंड इस एरिया पे थोड़ा सा ब्लर लुक आ जाए जिससे कि मेकअप जो है वो और स्टनिंग लगेगा. Moving on to the lip shade, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ये रहने की Fab 5 new lipstick है. इसमें आपको 5 shades मिल जाते हैं. पांचों ही न्यू शेड है, आप कोई सा भी शेड लगा सकते हैं इसमें से. बट मैं ये वाला शेड लगाना चाहती हूँ नीचे से थर्ड नंबर का, दिस वन, क्योंकि ये ना ज्यादा लाइट है ना ज्यादा डार्क है. सो नाउ वी आर गोना गेट दिस एंड नीचे से आपको इसको पुश करना होगा. इसमें इतना गैप है कि आपकी फिंगर चली जाए, सो आपको आसानी रहेगी पुश करने में. एंड ऊपर से आपको ये शेड निकालना है एंड देन इसको नीचे फिट करना है केयरफुली, वरना लिपस्टिक लग जाएगी तो वो टूट जाएगी. नाउ वी आर गोना पुश दिस अगेन एंड एक और लिपस्टिक आएगी, इसको भी उठा के हमें नीचे पुश करके लगाना है. एंड जो मेरे को शेड चाहिए था वो मुझे मिल गया है. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस. सो इसको थोड़ा सा और क्लीन लुक देने के लिए मैं ये ब्लू हेवन की लश एंड जूसी लिप ग्लॉस यूज कर रही हूँ एंड इसको अपने लिप्स के ऊपर मैं लगाऊंगी, मतलब जो शेड मैंने लगाया है उसके ऊपर. सो नेक्स्ट मैं ये सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड देन आई एम गोना स्प्रे. आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो एंड मेकअप अच्छा लगा होगा. आई एम लविंग दिस मेकअप. मुझे पता नहीं, लाइक मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके से टर्न आउट हो जाएगा. दिस इज लुकिंग वेरी फैब एंड मैंने मिनिमल एक्सेसरीज, लाइक ईच हैंड में मैंने एक एक रिंग पहनी है क्योंकि क्लीन मेकअप लुक में मिनिमल ज्वेलरीज पहनी जाती हैं इसीलिए. एंड मैंने फेक पियर्सिंग लाइक इयररिंग पहने हैं एंड ये छोटा सा हुक काइंड ऑफ इयररिंग पहना है मैंने एंड स्लीक बन बनाया है क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो काफी ज्यादा लूज है. सो इससे ये आउटफिट जो है वो और स्टनिंग लगेगा इस बन की वजह से. एंड मेकअप तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, आई होप कि आपको भी उतना ही पसंद आ रहा होगा जितना कि मुझे आया. सो अगर आपको आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वो रेड कलर का बटन दबा के, एंड आई थिंक नाउ इट्स ग्रे. सो सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो मिले एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि आपको ये मेकअप एंड वीडियो पसंद आया. कमेंट में आप कुछ भी कह सकते हैं इस वीडियो के बारे में एंड मेकअप के बारे में कि कैसा लगा आपको ये मेकअप. बाय बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.